आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इमेजेस को रिवर्स सर्च कर सकते हैं गूगल पे। इसके लिए आपको इमेजेस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैमरा मिलेगा, इसको जब आप क्लिक कर लेगा तो वो अपलोड एन इमेज पूछेगा या पेस्ट इमेज यूआरएल पूछेगा। तो हम लोग अपलोड एन इमेज करते हैं, चूज फाइल करते हैं और इमेज को सर्च करते हैं। मान लीजिए हम अपने प्रोफाइल फोटो को सर्च करते हैं तो वो सर्च करेगा। तो ये देखिए ये कह रहा नो अदर साइज ऑफ दिस इमेज फाउंड, क्योंकि हमारी प्रोफाइल पिक्चर है तो और जगह में नहीं अवेलेबल होगी, लेकिन हमारी पिक्चर जो हमारी यूज्ड पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यूआरएल डालते हैं रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। तो ये जब यूआरएल डालेंगे तो देखिए ये यहाँ पर ढेर सारे हमारे वीडियो आ जाएंगे जिसमें जिसमें ये पिक्चर हमारी पड़ी हुई है। तो ये जितने में भी मेरी पिक्चर पड़ी हुई है सारे यूआरएल आपके यहाँ पे सारे वीडियो हमारे यहाँ पर दिखने लगे। तो इस तरह से गूगल सर्च में हम लोग अपनी पिक्चर को सर्च कर सकते हैं। अब जब हमने पिक्चर को सर्च किया तो यहाँ पर एक टूल आता है। ये देखिए यहाँ पे सर्च में टूल आता है, इमेजेस के सर्च में टूल आएगा। तो टूल में हमारी साइज दी होगी, तो एनी साइज, लार्ज साइज, मीडियम साइज आप चेंज कर करके देखिए। देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइज में पिक्चर आएगी। आइकॉन अगर कोई होगा तो आएगा। ये देखिए मेरा ये आ गया छोटा, और यहाँ पर लार्ज साइज आप दीजिएगा तो लार्ज वीडियो सारे लार्ज साइज वाले वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। अब कलर वाइज हम ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए हमने रेड दे दिया तो जितने रेड वाले वीडियो होंगे वो जिसमें रेड यूज होगा वो सारे आ जाएंगे। अब आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं अपने वीडियोस को। और यहाँ पर अगर आप कोई और कलर देते हैं, मान लीजिए ब्लू दे दिया तो ब्लू वाले सारे आ जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, अगर आपको स्पेसिफिक कुछ वीडियोस आपने कर रखे हैं तो वो उस कलर के वीडियो को आपको सेव कर देगा। आप ही के नहीं, देखिए ये दूसरों को भी ब्लू कलर के वीडियो दे रहा है। तो इस तरह से आप कलर वाइज भी वीडियो इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिप आर्ट आप सर्च कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी कोई सेटिंग नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। लाइन ड्राइंग है ये भी नहीं सेट है, जिप है जिप भी नहीं सेट है। तो टाइम पे चलते हैं। टाइम में एनी टाइम 24 आवर में हमने कहा कि जितनी इमेजेस अपलोड है वो दे दो, तो अभी इसमें नहीं दे रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है। तो एनी टाइम जब हम देंगे इसको पीछे जाए तब टाइम वाला देगा ये। हाँ टाइम में एनी टाइम दिया। अब एनी टाइम में देखिए ये दे रहा, पास्ट वीक देते हैं लेकिन क्या देता है। तो पास्ट वीक में ये दिया है उसने तो वो दे दे रहा है। पास्ट 24 आवर्स में अभी हमने करा ही नहीं है तो कुछ नहीं देगा। यूसेज राइट आप ऑल दे दीजिएगा तो कोई भी टाइप का लाइसेंस होगा वो आ जाएगा। और अगर इसमें से कमर्शियल है आप तो कमर्शियल दे सकते हैं। क्लियर करने से आपकी सेटिंग जो होती है जो भी आपने सेट किया वो क्लियर हो जाएगी। अब मोर में जाइएगा तो मोर में आपका बुक फ्लाइट फाइनेंस इस तरह से करके आएगा जिसको आपको सेट करना है। मैप में जाइएगा तो आपके साइट का मैप देश शायद ये देखिए कि किस जगह के आप हैं। तो इस तरह से ये आप अपनी इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। अब भाई तो रिवर्स इमेज को आप चेक कर सकते हैं कि ये इमेज आपने कहाँ से ली है। तो उसको चेक करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपने कॉपी रही है। देखिए हमारी इमेज यहाँ पर ढूंढ के इसने दे दी। तो किसी पर्टिकुलर इमेज को अगर हम सर्च करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए हमने ये वाली इमेज इसमें आ रही थी इसको सर्च करते हैं कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर इमेज एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए। तो अगर वो इमेज होगी, ये देखिए मेरी ही इमेज आ रही है क्योंकि हमने इसको बनाया था इसलिए ये मेरी ही इमेज आ रही है। तो उस इमेज को वो दे देगा।
अभी इसको बाय गूगल लेंस ढूंढते हैं, इमेज बाय गूगल लेंस। तो अब गूगल लेंस क्या करता है, आपसे उससे सिमिलर जितनी इमेजेस होंगी सब दे देगा, तो आपको पता लगेगा कि आपकी इमेजेस किसी और की इमेजेस से टैली तो नहीं कर रही है। तो अगर टैली कर रही है तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो कॉपीराइट भी मिल सकता है आपको। ये देखिए यहाँ पर कोई ऐसी इमेज नहीं आ रही है जो मेरी इमेज से मैच करती हो, अगर मैच करती है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी इमेज की स्ट्राइक से बचने के लिए सर्च करके, रिवर्स सर्च करके देख सकते हैं। अब यहाँ से फाइंड इमेज सोर्स अगर हम करेंगे तो ये देखिए कोई भी नहीं है, नो अदर साइज ऑफ द इमेज फाउंड। तो इसके मतलब है कि हम लोग की इमेज में कॉपीराइट नहीं आएगा। और भी ढूंढ लीजिए इसमें कहीं कॉपीराइट तो नहीं है, तो यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसी इमेज नहीं मिल रही है जो मेरी इमेज से टैली करे। तो एक अच्छा तरीका है इमेज को चेक करने का, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि अगर हमारी इमेज डेस्कटॉप पे नहीं है, मोबाइल पे, तो क्या करेंगे। मोबाइल में ये ट्रिक डेस्कटॉप वेबसाइट पे जाके ही आप कर सकते हैं। इसमें सफारी में ए आइकॉन आएगा जिसको आप लेफ्ट टॉप में सेलेक्ट करके, ऑप्शन करके, शॉर्ट मेनू में जा करके इमेज को ढूंढ सकते हैं। क्रोम में आपको थ्री डॉट मेनू मिलेगा जिसमें जाकर आप स्क्रॉल डाउन करके पॉपअप मेनू को अनटिल यू फाइंड द सेम ऑप्शन, और उसको सर्च करने का ऑप्शन कैमरा जब तक नहीं आ जाता नीचे पॉपअप मेनू में नीचे स्क्रॉल करेंगे और गूगल इमेजेस को अपलोड करके सर्च करेंगे। या उसके सेकंड ट्रिक है कि उसमें जा करके सर्च लॉन्ग प्रेस द पिक्चर अंटिल यू सी द पॉपअप मेनू एंड फ्रॉम देयर लुक द सर्च गूगल फॉर दिस इमेज, जैसा कि अभी हमने डेस्कटॉप में किया था कि जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपका आता है सर्च इमेज विद अ गूगल लिंक्स। और क्रिएट क्यूआर कोड कर सकते हैं आप, यहाँ पे इग्नाइट मोड में जा सकते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस कर सकते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर सकते हैं, तो ये न्यू टैब में खुल जाएगा। यहाँ पे खोलिए, ये देखिए आ गया आपका इमेज। तो इसी तरह मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं। सिंस गूगल इमेजेस लेट यू सर्च फॉर इमेज आफ्टर इट्स यूआरएल, यू कैन ऑल्सो ट्राई ओपन इमेज इन न्यू टैब फ्रॉम सेम मेनू। अभी जो हम लोग ने किया, कॉपी पेस्ट यूआरएल एड्रेस इन सर्च बार, या उसका एड्रेस कॉपी करके सर्च कर सकते हैं हम लोग। तो एड्रेस करके भी हमने आपको दिखाया था कि राइट क्लिक करिए और किसी भी फोटो का एड्रेस हम लोग मान लीजिए ये वाला लेते हैं, राइट क्लिक किया और ओपन इमेज इन न्यू टैब सेव ये कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर गए और इसको पेस्ट किया, एंटर किया, ये देखिए आपका इमेज का पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड यूज करके हम अपनी इमेजेस को रिसर्च कर सकते हैं। हाउ टू रिवर्स द इमेज सर्च बाय आईफोन, अब आईफोन मेरे पास नहीं है तो आपको ये थ्योरेटिकली यहाँ बता दे रहे हैं कि रिवर्स इमेज डिफरेंट एप्स दैट कैन डू द सेम थिंग गूगल डज, जैसा गूगल करता वैसे डिफरेंट ऐप आईफोन पे काम करते हैं, जिसमें रिवर्स इमेज सर्च ऐप है ओपन द मैक ऐप स्टोर टू बाय द डाउनलोड ऐप्स। अब इसमें कुछ तो फ्री है, कुछ आपको बाय करने पड़ेगा। रिवर्स ही है विच इज़ अ फ्री फॉर गूगल रिलेटेड रिजल्ट बट आस्क फॉर अ फी इफ यू वॉन्ट टू गेट आंसर फ्रॉम बिंग एंड यार्डएक्स टू। बिंग और यार्डएक्स भी दो फैसिलिटी है जिसको अगर रिवर्स ही में आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। कैम फाइंड है हाउएवर टेक नोट दैट दिस वन इज मोर हेल्पफुल व्हेन यू वांट टू सी वेयर यू कैन फाइंड अ सर्टेन प्रोडक्ट, और ये ज़्यादा कैम फाइंड जो है ज़्यादा ईजी है। डुप्ली चेकर क्या करता है, विच इज़ अ ब्राउजर ऐप एंड ऑफकोर्स अ प्ले स्टोर ऑप्शन फॉर दोज एंड्रॉयड यूजर हु रैदर हैव अ निफ्टी ऐप एट द हैंड एंड देन मैसेज विद द ब्राउजर।
निफ्टी इन ऐप होने जिनके पास एंड्रॉयड में वो इसको यूज कर सकते हैं। तो डबल चेकर क्या करता है इमेज, ये जो है ये आपकी सिमिलर इमेजेस को फाइंड आउट करता है, लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट कंटेन दीज इमेजेस, अदर साइज ऑफ पिक्चर्स यू सर्च विद, और दूसरों की भी पिक्चर सेम डायमेंशन की अगर होगी तो आपको दिखा देगा, और उस वेबसाइट्स के नाम लिस्ट कर देगा जिस पे आपकी इमेजेस है और सिमिलर इमेजेस को दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब सर्च करते हैं, देखते हैं google.com/imghp, दो साइट हैं जिसके थ्रू आप इमेजेस को ढूंढ सकते हैं। एक तो गूगल में जाकर हम लोगों ने ढूंढा था, अब यहाँ पर गए और अपलोड इमेज किया, चूज फाइल किया, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हम ये वाली इमेज लेते हैं तो वो ढूंढता है और सिमिलर इमेजेस भी देता है। ये देखिए हमारी इमेज इसमें कहीं नहीं है, लेकिन हमसे रिलेटेड हमारी तरह की इमेजेस जो लोगों ने डाल रखा वो भी दे रहा है, मेरी इमेज तो दे ही रहेगा। तो इस तरह से हम सिमिलर इमेजेस को भी ढूंढ सकते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ मेरी इमेजेस है वो सब दिखा दे रहा है, यहाँ पे सेकंड पे जाइएगा तब भी वो दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी इमेजेस को सर्च आउट कर सकते हैं, और साथ में अगर आपने एड्रेस दे दिया अपने साइट का तो उस पे जितनी इमेजेस आपकी फोटो से रिलेटेड होंगी सारी इमेजेस आपकी वीडियोस की आ जाएंगी। ये देखिए सारी इमेजेस आपकी वीडियो की आ रही है। यहाँ पर आपको टूल हमने बता ही दिया, टूल में आप लार्ज साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, अब टाइप में क्लिप आर्ट है, लाइन ड्राइंग है, जिफ है, क्या है, कितने समय पे आपने अपलोड किया है, 24 घंटा, वीक, मंथ, ईयर, सब पे दिखा देगा। यूसेज राइट होगा, दो तरह का यूसेज राइट होता है, एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है, कॉमर्शियल होता है। फिर क्लियर आप करिएगा तो जो सेटिंग आपने सेट की है वो क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ऑल देने पे सारी सेटिंग देगा आपकी। ये देखिए सारे वीडियोस मेरे आने लगे उस फोटो से रिलेटेड, और हमने ऑलमोस्ट सभी वीडियो पे दिया है तो वो सारे दिखा रहा है। और न्यूज़ में आप न्यूज़ देख सकते हैं, मेक श्योर दैट ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड, अब हमारे से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इमेजेस में आ ही रहा है। और मोर में आप जाइएगा तो ये बुक्स दिखाएगा, फ्लाइट दिखाएगा, फाइनेंस दिखाएगा, तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं दिखाएगा अभी। तो इस तरह से हम लोग अपनी फोटो, किसी भी फोटो को सर्च करके रिवर्स सर्चिंग कर सकते हैं। अब आया कि गूगल लेंस से भी हमने बता दिया, गूगल लेंस फैसिलिटी है गूगल की जिसके थ्रू आपको इमेज अपलोड नहीं करनी पड़ती है, बस सिर्फ कैमरे के आगे ले जाना पड़ता है जिससे कि वो सर्च करके इमेज को और आपके सामने उसका रिजल्ट दे देता है। गूगल इमेजेस हाउ टू रिमूव योर पिक्चर, अब आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है 18 साल से कम का है और उसकी इमेज जो गूगल पे आ गई है वो आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गूगल पे एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप रिफिल कर दीजिए। स्टेट वेदर यू वॉन्ट टू रिमूव सम एग्जिस्टिंग इमेजेस और प्रिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम शोइंग, आप नहीं चाहते कि उसकी कोई इंफॉर्मेशन या पिक्चर लोग जाने तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए गूगल से, आपकी इमेज वहाँ से हट जाएगी। सर्च रिजल्ट में से सर्टन वेबसाइट से हट जाएगी जिसपे आप हटाना चाह सकें। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इनफॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक्रोटेक। थैंक यू।